नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों की स्वागत करने मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि, ये रीडिंग होगी 23 से लेके 29 नवंबर तक की होगी। रीडिंग 23 से लेकर 29 नवंबर तक की हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगा, उनकी वो चाहते क्या हैं, उनका थॉट्स और उनका एक्शन क्या रह सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही आपका है, बाकी किसी और का होगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से लाइक से शेयर से हमें हौसला मिलता है काम करने के लिए। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द लवर्स के कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, इस बंदे को किसी बात को लेके डिसीशन लेने का इंतज़ार है। ये किसी बात को सोच रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं ये, और ये अपने लिए भी सोच रहा है बंदा, अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है। ये रिश्ते में मेहनत तो करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, जिनका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, तो ये पर्सन जो है ये रिश्ते को लेके, आप खुद ही देख सकते हो लवर्स के कार्ड आए हैं, ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये थोड़ा इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का, जब उनको लगेगा वक्त सही है तभी ये एक्शन लेंगे। करंटली ये वेटिंग के मूड में है और ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं, खुद की पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन पहले खुद के लिए नहीं सोचता था, स्टैंड नहीं लेता था, तो अभी ये स्टैंड लेंगे खुद के लिए। ये किसी ऐसी बात की डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है जो बात मतलब जो चीज़ उनके पास है फिर भी वो उसी चीज़ को अलग तरीके से पाना या फिर उस चीज़ के उस चीज़ को एक्सेप्ट करना या ना करना, हो सकता है रिश्ते को, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है जॉब और रिश्ते दोनों को दोनों में किसी एक चीज़ को चूज़ करने के बारे में सोच रहा है। जो भी है बंदा मेहनती है, मेहनत करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस आपके प्रति उनका अट्रैक्शन भी है और रिश्ते को लेके एक डिसीजन भी लेना चाहते हैं करंटली। अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है ये चाहते क्या है। सेजिटेरियस यानी धनुराशि आपके पर्सन चाहते क्या है, सेजिटेरियस यानी धनुराशि आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। सेजिटेरियस टेन ऑफ कप्स, ये परिवार चाहता है, जो भी करेंगे परिवार को साथ लेके करेंगे, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, परिवार चाहता है। अगर आप शादीशुदा पहले से ही हो तो ये बच्चे घर परिवार रिश्ता चाहते हैं, इसी में इनका इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो मिलता है। इनके लिए इनका परिवार ही सब कुछ है। ये हो सकता है खुद को स्टेबल बनाने के लिए घर से दूर रहता है बंदा, या फिर ये
शादी के बारे में सोच रहा है, आपसे शादी करेगा, तो ये चाहते हैं कि जो भी ये करे आप उनका साथ दें, क्योंकि बंदा या बंदी जो भी है थोड़ा इग्योइस्टिक है, या फिर आपने उनको कुछ कहा था, ह्यूमिलिएट किया था, तो ये उस बात से थोड़ा परेशान है। लेकिन इनकी ज़्यादा फोकस जो है ये परिवार बनाने में है। टेन ऑफ कप्स के कार्ड, इनका इमोशन उसी से पूरा होता है जब उनके पास परिवार होगा, जब ये परिवार के बारे में सोच पाएंगे, जब परिवार के साथ ये रहेगा, उनको साथ मिलेगा, यही उनकी विश है। लेकिन ये पर्सन जो है थोड़ा खुद को रोक रहा है, लेकिन क्योंकि ईगो के कारण हो सकता है जिस बात को लेके परेशानी हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो बात में हो सकता है आपने उनको ऐसा कुछ कह दिया या फिर उन्होंने आपको कुछ कहा जिसके लिए वो रिश्ते में आने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा है। लेकिन ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा ना नहीं हैं वो रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आ गए और बैठ गए, नहीं, ये पूरी तैयारी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज हो सकता है, सजिटेरियस लियो भी हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में मत जाइए, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए इनका एक्शन। सजिटेरियस के पर्सन का एक्शन क्या रहेगा? सजिटेरियस आपके पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है? सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पर्सन की एक्शन क्या होगी? सजिटेरियस यानी धनुराशि के पर्सन की एक्शन क्या होगी? प्लीज यूनिवर्स सजिटेरियस की पर्सन की एक्शन बताइए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पर्सन की एक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये अपना जो परेशानी है, जो बोझ है, इसको बांटना चाहते हैं। ये बहुत सारा परेशानी लेके घूम रहा है बंदा या बंदी जो भी है, तो वो उस परेशानी को बांटना चाहते हैं। उनको लगता है जब तक ये परेशानी नहीं बटेगा तब तक ये रिश्तों का समाधान नहीं होगा, तो ये आपके साथ उस बात को बताना चाहते हैं। अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सकता है ये आपको माफ़ कर दे या माफ़ी मांगने के लिए आए, लेकिन जो भी होगा ये बहुत समझदारी के साथ ये रिश्ते में आएंगे, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। मैंने पहले ही कहा इनके लिए परिवार सब कुछ है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये बंदा या बंदी खुद को किसी कम्युनिटी की किंग या क्वीन की तरह देखता है, अपना एक रुतबा है, अपना एक पोजीशन है, तो वो उस चीज़ को मेंटेन करेंगे और मेंटेन तरीके से ही आपके सामने आएगा। परिवार इनके लिए सबसे अहम है, कितना भी अगर ये किसी और रिश्ते में भी है, किसी और वजह से इनका दिल भी टूटा है, कुछ भी, लेकिन परिवार इनके लिए सब कुछ है, ये इस परिवार का ब्रेड अर्नर है। इनको ये पता है कि ये टूटे दिल के साथ भी इस परिवार में आना चाहेंगे, नया कुछ करना चाहेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए ये कोई नया साधन भी ढूंढ रहा है, पैसों के कोई जरिया भी ढूंढ रहा है। उनका वही एक्शन रहेगा कि किस तरीके से ये अपनी परेशानी को बांटेंगे और खुद के लिए नया फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ये गेन करेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। पेज का कार्ड है, एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। ये बंदा या बंदी अगर उम्र में कोई कम उम्र का भी हो सकता है, कोई मिडिल एज का भी हो सकता है, क्योंकि हर तरीके का इंसान को दिखाई दे रहा है इसमें, तो जो भी है इन्हें पैसों की समझ बहुत अच्छे से है। बिना स्टेबिलिटी के ये कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है बंदा घर से दूर रहता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, तो ये फैमिली को लेके भी चिंतित है, उसको
को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि कि आपको क्या करना चाहिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं तो उनके लिए यूनिवर्स जी का गाइडेंस किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टार के कार्ड, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, खुद को हील कीजिए, योगा मेडिटेशन पानी पीना पौधों में पानी डालना, अकेले रहने की कोशिश कीजिए, जितनी आप अकेले रहोगे उतना ज़्यादा खुद को पहचान पाओगे, और साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को देखो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स के मामले बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके वो भी पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्या आया है, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड, ये जो पैसों की जो बातें हैं, हो सकता है आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए भी काम करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ से कहीं से कुछ अगर मिल रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने लिए मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पर्सन कर रहा है, आपको अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये पता है कि आपसे कोई गलती हुआ है, मतलब रिश्ते में आपने कुछ कह दिया, कुछ गलत फहमी हो गई, कुछ ऐसा आपने बोल दिया जो नहीं बोलना था, जिसके लिए आपको पछतावा हो रहा है, तो आप खुद को हील किया करें, ज़्यादा देर तक चुप रहने की कोशिश करें, जितना कम बोलिएगा उतना अच्छा रहेगा, अकेले रहने की कोशिश करें। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको भी ज़रूरत है, आप उस पर भी काम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।